दोस्तों, यूएसए की एडवांस बुकिंग ने तबाही मचा दी है और सलार की एडवांस बुकिंग कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं सलार के प्रीमियर को रिलीज किया जाने वाला है और लोग सलार को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। तरण आदर्श की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 370 लोकेशन पर सलार की अभी से एडवांस बुकिंग ओपन कर दी गई है और 1000 पिलफ शोज भी ओपन हुए हैं। अभी तो और ज्यादा शोज मिलने बाकी है। वही 3.5 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग भी आ रही है। ये लगभग 286 के डॉलर होते हैं, यानी कि 286,000 डॉलर की एडवांस बुकिंग अभी से आ रही है। वहीं कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि सलार का KGF यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है तो मूवी फ्लॉप होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सलार एक अलग यूनिवर्स है जो कि प्रशांत नील ने खुद ही क्लियर कर दिया है। ये दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि पहले तो दोस्त होते हैं, फिर वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। कहने का मतलब कि कहानी काफी लंबी और अच्छी होगी, उसी के साथ ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब ट्रेलर भी काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, जिसमें काफी ज्यादा मारधार वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं। और ट्रेड पंडितों की बातों को माने तो ट्रेलर काफी कमाल का है, जिसकी लेंथ 2 मिनट्स 46 सेकंड्स बताई जा रही है। आप ट्रेलर का कितना वेट कर रहे हो? सिर्फ 2 दिन का समय है, उसके बाद सलार यूनिवर्स आपके सामने होगा। आदि पुरुष के बाद प्रभास अन्ना की सलार काफी बड़ी मूवी है और जब एक्शन की बात आती है तब हर किसी को KGF 2 याद आती है। इस बार सलार भी काफी बड़ी सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि इस बार स्टोरी के मामले में सलार काफी बढ़िया है और इसका चैप्टर 1 काफी कमाल का होगा। वहीं इसमें जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं वो भी काफी खतरनाक है। 300 करोड़ की बजट में सलार को बनाया जाने वाला है और इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी से ही पूरी दुनिया में तहलका बचा दिया है। अब शाहरुख खान के चाहने वाले सलार को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रशांत नील का जब जादू जलता है तो बड़े बड़े हीरोज फिल ऑफ हो जाते हैं। जब शाहरुख खान की जीरो आई थी उस टाइम KGF 1 ने शाहरुख खान की बैंड बजाई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी शाहरुख खान की बैंड डायनोसर बजाने वाला है। और जो रिकॉर्ड सलार एक्शन के मामले में बनाएगी वो डंकी एक साधारण मूवी टिक नहीं पाएगी। प्रभास बाहुबली है और बाहुबली की तलवार के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या लगता है इस बार प्रशांत नील कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं और आप सलार का कितना वेट कर रहे हो? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप सलार और प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। धन्यवाद।